नमस्कार, दिस इज ध्रुव ज्योतिषः, द हैप्पी मैन वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड टुडे आई एम बैक विथ माई सुपर सीरीज लव एंड हैप्पीनेस। आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? और आर यू अनहैप्पी? क्या आप दुखी हैं? जैसी भी आपकी मन की परिस्थिति है, ये वीडियो आपके लिए जरूर है। आज का जो मेरा विषय है वो है आकर्षण से आत्मविनाश तक। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज अट्रैक्शन टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। डू यू फील अट्रैक्टेड टू समथिंग? क्या आप कोई वस्तु के प्रति, वो जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, क्या आप आकर्षित होते हैं? हम सब आकर्षित होते हैं। हर इंसान कोई ना कोई चीज़ से आकर्षित हो ही जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब हम आकर्षित होते हैं, when we get attracted to an object, inanimate or animate, it's healthy, nothing wrong. After attraction, what happens? Your happiness, your joy goes high, you are attracted to something, you feel very excited, you are on a high, आप एकदम अच्छा महसूस करते हैं उस वस्तु के प्रति, उस आकर्षण के वजह से। लेकिन कुछ समय के बाद वही आकर्षण क्या बन जाता है? व्याकुलता या विचलित कर देता है आपको। मेनी अ टाइम दैट अट्रैक्शन बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन। कैसे हम कह सकते हैं? शुरू में जब हम एक वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं या इंसान के प्रति, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब रातों को नींद नहीं आती, हमारा पढ़ाई में, लिखाई में, हमारे कार्य में, हमारे व्यक्तिगत जीवन पे जब एक खराब असर होने लगता है, भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आती, हम काम ठीक से कर नहीं पाते हैं, पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते, मतलब अभी वो आकर्षण हमें विचलित कर चुका है, हमें व्याकुल कर चुका है। दैट अट्रैक्शन हैज बिकम अ डिस्ट्रैक्शन। दैट इज द सेकेंड स्टेप। नाउ लिटिल फर्दर, उससे थोड़ा आगे जाकर क्या होता है? जिस इंसान के प्रति या जिस वस्तु के प्रति हम आकर्षित हो चुके हैं, यदि हमें वो चीज़ अभी अच्छा नहीं लग रहा है या उस चीज़ से हमको धोखा मिला है या कुछ बुरा हो गया है, तब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मन अशांत हो जाता है, हम अशांति के शिकार हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू नॉट गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट और फ्रॉम दैट ह्यूमन बीइंग, और वी हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, सो दैट अट्रैक्शन विच हैज लेड टू डिस्ट्रैक्शन एंड नाउ इट हैज लेड टू डिस्टर्बेंस। हम अशांति के शिकार हो चुके हैं, हमारे मन में शांति नहीं है, अभी हम सोच नहीं पा रहे क्या सही क्या गलत है। हाँ, फिर क्या होता है, हम शायद यह सोचने लगते हैं कि उस इंसान को या उस वस्तु को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए या हम खुद को ही नुकसान पहुंचा दे। सो नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट डेंजरस स्टेप इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आइदर आई डिस्ट्रॉय माई सेल्फ और डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट विच हैज डिस्टर्ब्ड मी। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? It is I, nobody else. Because I got attracted, I got disturbed, isn't it? I got attracted, I got distracted, now I am disturbed and finally I am in a self-destructive mode. लोग क्या क्या करते हैं जब मन अशांति से भर जाता है? कुछ लोग अच्छी आदतों को छोड़कर खराब आदत में लग जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या कुछ गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, अपना अच्छा चरित्र को बिगाड़ कर चरित्र को ही खराब कर देते हैं। वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो इसका इलाज क्या है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अच्छी खबर है, उसका इलाज है दो। एक है मोटिवेशन, प्रेरणा, और दूसरा है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। यदि हम अंदर से प्रेरित है तो बुरा वक्त आ भी जाए, यदि हमारा माइंड डिस्टर्ब भी हो चुका है, हमारे अंदर अशांति है, हम वापसी करेंगे, वी विल राइज, उस बुरे स्थिति से हम फिर से उठेंगे
और प्रेरित होकर और आत्म अनुशासन का प्रयोग करके हम धर्म के रास्ते पे फिर से खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो याद रखिए दोस्तों, एक तरफ है आकर्षण, सावधान रहिए, और दूसरा तरफ है जो खराब प्रभाव है वो है आत्म विनाश। सो इस चक्कर से बाहर आने के लिए दो ही तरीका है, प्रेरित रहना और आत्म अनुशासन का प्रयोग करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।